सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज, पोकेमॉन वर्ल्ड में सारे पोकेमॉन्स बहुत सारे अटैक्स को सीखते हैं, क्योंकि यार पोकेमॉन बैटल्स में मूव्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। लेकिन यार कुछ पोकेमॉन ऐसे हैं जो कि कुछ ऐसे ऐसे मूव सीख सकते हैं जो कि एक्चुअल में वो सीख ही नहीं सकते हैं। देखो, एग्जाम्पल के तौर पर एक ऐसा पोकेमॉन जिसके पास हाथ ही नहीं है वो पंच मार सकता है, यानी कि कोई पंच वाला अटैक यूज़ कर सकता है। तो इस वीडियो में मैं तुमको ऐसे बहुत सारे पोकेमॉन्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि कुछ ऐसे मूव सीख सकते हैं जो कि उनको एक्चुअल में सीखना ही नहीं चाहिए। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, पूरे एंड तक ज़रूर देखना। अब नेक्स्ट तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, गैसली। तो गैसली जेन वन यानी कि कैंटो का एक पोकेमॉन है। मैं तुम लोग को बता दूं, ये पोकेमॉन थंडर पंच, आइस पंच और फायर पंच अटैक सीख सकता है। मतलब यार इस पोकेमॉन के पास हाथ है ही नहीं, तो ये थंडर पंच, आइस पंच, ये पंच वाले अटैक कर कैसे सकता है। यार ये पोकेमॉन पूरी तरीके से बस गैस से बना हुआ है, इसके पास हाथ पैर कुछ भी नहीं है। तुम लोग ही बताओ यार, बिना हाथ के कोई कैसे पंच वाले अटैक यूज कर सकता है। नंबर टू, प्राइमेप। तो ये भी जेन वन यानी कि कैंटो का पोकेमॉन है। तो तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम लोग को इसके पास पूंछ दिख रही है? नहीं दिख रही ना, क्योंकि यार इसके पास पूंछ है ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी ये पोकेमॉन आयरन टेल अटैक यूज कर सकता है। मतलब जिस अटैक के लिए टेल लगती है, ये पोकेमॉन उस अटैक को बिना टेल के यूज कर सकता है। नंबर थ्री, बैगॉन पोकेमॉन। तो ये जेन थ्री यानी कि होएन का पोकेमॉन है। ये पोकेमॉन ड्रैगन क्लॉ अटैक यूज कर सकता है। मतलब इस अटैक में ना पोकेमॉन जो अपने बहुत बड़े नाखूनों की मदद से सामने वाले पोकेमॉन पर हमला करता है। लेकिन यार तुम लोग इस पोकेमॉन के हाथ की तरफ देखो, इसके पास लिटरली उंगलियां तक नहीं है। तो भाई कैसे ये ड्रैगन क्लॉ अटैक का यूज करता है? नंबर फोर, राइडॉन। तो राइडॉन पोकेमॉन जो है वो सर्फ अटैक सीख सकता है, यानी कि ये पोकेमॉन जो है पानी में मस्त सर्फ कर सकता है। यार ये पोकेमॉन पानी से यानी कि वाटर टाइप से फोर टाइम वीकर है और इतना सारा भारी है कि अगर ये पानी पे चढ़ा तो वो डूब ही जाएगा अंदर सीधा। तो यार फिर ये पोकेमॉन कैसे यूज कर सकता है सर्फ अटैक? नंबर फाइव, जूबेट पोकेमॉन मेन लुक अटैक सीख सकता है। इस अटैक में ना क्या होता है, पोकेमॉन जो है वो अपनी आंखों की मदद से सामने वाले पोकेमॉन को बहुत ज़्यादा डरा देता है और उसके बाद वो जो सामने वाला पोकेमॉन रहता है वो बैटल से एस्केप नहीं कर सकता, निकल नहीं सकता है, किसी और पोकेमॉन को नहीं भेज सकता। तो फिर तुम लोगों ने सुना ना, इस अटैक में मेन काम जो है वो है आँखों का, आँख दिखा के डराता है पहले वो। लेकिन जूबैट की जरा आँखें देखना, कितनी अच्छी आँखें इसकी। नंबर सिक्स, वूपर पोकेमॉन। तो वूपर पोकेमॉन जो है वो आइस पंच अटैक का यूज़ कर सकता है। हाँ, वही अटैक जिसके लिए पोकेमॉन को ना हाथ लगते हैं, जो कि वूपर के पास है ही नहीं। यार मतलब कैसे ये पोकेमॉन बिना हाथ के पंच मार सकते हैं, कुछ भी सेंस नहीं बना रहा ये तो। नंबर सेवन, सी डॉट पोकेमॉन डीफॉग अटैक यूज कर सकता है। ये जो अटैक है ना, ये फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स यूज करते हैं फॉग को हटाने के लिए। मतलब वो लोग अपने पंखों की मदद से फॉग को हटाते हैं, यानी कि इस अटैक को करने के लिए पोकेमॉन को विंग्स लगते हैं, पंख लगते हैं। लेकिन सी डॉट पोकेमॉन के पास तुम लोग देख सकते हो पंख है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी अटैक सीख सकता है। नंबर एट, बीहीएम पोकेमॉन। ये पोकेमॉन स्टील विंग अटैक यूज कर सकता है। स्टील विंग अटैक ऐसा अटैक जिसके लिए विंग लगते हैं, पंख लगते हैं, वो ये पोकेमॉन बिना विंग के कर सकता है। नंबर नाइन पर भी ये सेम केस है डॉड्रियो के साथ। डॉड्रियो पोकेमॉन जो है, इसके पास भी विंग्स है ही नहीं, तुम लोग देख सकते हो, उसके बावजूद भी ये पोकेमॉन भी स्टील विंग अटैक का यूज कर सकता है। नंबर टेन, वलैबी पोकेमॉन। इस पोकेमॉन के तुम लोग ध्यान से पंख को देखो, कितने छोटे से पंख है इसके पास, और इतने छोटे से पंख की मदद से कोई भी पोकेमॉन हवा में उड़ नहीं सकता है ना। ऐसा ही इसकी पोकेडेक्स एंट्री में भी लिखा हुआ है कि इसके जो पंख है वो उड़ने के लिए काफी ज्यादा छोटे हैं। लेकिन यार इसके बावजूद भी ये पोकेमॉन फ्लाई अटैक सीख सकता है, यानी कि हवा में उड़ सकता है। नंबर 11, लिकिटंग पोकेमॉन। ये पोकेमॉन कट अटैक का यूज कर सकता है। तो कट अटैक के लिए भी तुम लोग को पता होगा, एक पोकेमॉन को काफी ज्यादा बड़े और नुकीले नाखून चाहिए होते हैं। लेकिन यार अगर तुम लोग इसके हाथ पे देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा, हाँ यार इस पोकेमॉन के पास नाखून है। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि इस छोटे से नाखून की मदद से ये पोकेमॉन एक पेड़ को काट सकता है? बिल्कुल भी नहीं। नंबर 12, डक्ट्रियो पोकेमॉन। ये पोकेमॉन कट अटैक सीख सकता है और स्लैश अटैक भी सीख सकता है। यानी कि ये दो ऐसे अटैक है जिनके लिए तुमको काफी ज्यादा शार्प और बड़े नाखून चाहिए होते हैं, और नाखून के लिए ऑब्वियसली तुमको हाथ होना जरूरी है। लेकिन इस पोकेमॉन के पास तो हाथ है ही नहीं, तो भाई कहाँ से एक कट और स्लैश अटैक सीखता है। नंबर 13 और नंबर 14, एरॉन पोकेमॉन और एंटे पोकेमॉन। तो इन दोनों के पीछे तुम लोग देख सकते हो, इनके पास कोई भी पूंछ नहीं है, कोई भी टेल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी ये दोनों पोकेमॉन्स ही आयरन टेल अटैक यूज कर सकते हैं। बिना टेल के आयरन टेल कैसे यूज करते हैं यार ये पोकेमॉन? नंबर 15, वोल्टर पोकेमॉन स्नोर अटैक यूज कर सकता है। तो इस अटैक में क्या होता है, इस अटैक को तुम लोग तभी यूज कर सकते हो जब तुम्हारा पोकेमॉन जो है वो सो रहा है। तो सोते सोते क्या है, वो पोकेमॉन ना शोर मचाने लगता है, और शोर मचाने के लिए तुम समझते हो ना भाई, मुंह तो लगता ही है। लेकिन वोल्टर पोकेमॉन के पास तुमको कहाँ मुंह दिख रहा है, इसके पास मुंह ही नहीं है भाई, कहाँ से शोर मचाता है फिर ये। नंबर 16, प्यूपिटर पोकेमॉन जो है वो बाइट अटैक सीख सकता है।
अब बाइट मतलब तुम लोग को पता ही होगा, बाइट मतलब होता है काटना, और काटने के लिए भी मुंह लगता है। लेकिन यार प्यूपिटर पोकेमोन जो है इसके पास तो मुंह है ही नहीं, मतलब होगा भी तो अपना मुंह खोल ही नहीं सकता, तो भाई बिना मुंह खोले कोई पोकेमोन कैसे काट सकता है? मतलब यार तुम ही सोच के देखो, बिना मुंह खोले कोई काट कैसे सकता है भाई, बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रही है चीज तो। नंबर 17, हिप्नो पोकेमोन। हिप्नो पोकेमोन जो है वो रेस्ट अटैक सीख सकता है। तुम लोग सोच रहे हो कि इसमें अजीब क्या है? देखो यार, हिप्नो पोकेमोन के पास ना एक अबिलिटी है जो कि इंसोम्निया। इस अबिलिटी की मदद से पोकेमोन जो है वो कभी सो ही नहीं सकता, यानी कि हिप्नो पोकेमोन जो है वो कभी सो ही नहीं सकता। तो तुम लोग ही बताओ भाई, बिना सोए ये पोकेमोन रेस्ट अटैक कैसे यूज करता है, मतलब बिना सोए रेस्ट कैसे कर सकता है? नंबर 18, स्नोरंट पोकेमोन जो है वो रोल आउट अटैक सीख सकता है। तो रोल आउट अटैक तुम लोग को पता ही होगा उसमें क्या होता है, पोकेमोन जो है वो घूम घूम के मतलब पूरा गोल बन के घूमने लग जाता है। लेकिन यार स्नोरंट पोकेमोन जो है इसकी शेप देखो तुम लोग, इसकी शेप एक कोन शेप है। तो यार कोन शेप की चीज़ जो है वो रोल आउट अटैक कैसे कर सकती है, मतलब कोन शेप की चीज़ घूम कैसे सकती है? मतलब यार देखो, अगर एक चीज़ गोल है तो वो आराम से घूम सकती है, तुम लोग को भी पता है। लेकिन अगर एक चीज़ की शेप कोन शेप है तो वो रोल कैसे कर सकती है, मतलब घूम कैसे सकती है, ये भी कुछ सेंस नहीं बनाता भाई। नंबर 19, केकनिया पोकेमोन जो है लो किक अटैक सीख सकता है, यानी कि तुम कह सकते हो पोकेमोन जो है किक मार सकता है। और किक मारने के लिए हमको चाहिए होते हैं टांगे, और यहाँ पर तुम जरा देखना इसकी टांगों को यार, मतलब तुम लोग ही देखो इतनी छोटी सी टांगों की मदद से ये पोकेमोन कैसे किक कर सकता है किसी को भी। नंबर 20, डोडुओ पोकेमोन फ्लाई अटैक सीख सकता है, यानी कि यार डोडुओ पोकेमोन जो है वो फ्लाई कर सकता है, हवा में उड़ सकता है, जबकि इस पोकेमोन के पास विंग्स यानी कि पंख है ही नहीं। नंबर 22, एम्बर पोकेमोन जो है वो स्केल अटैक सीख सकता है। ये अटैक एक वाटर टाइप का मूव है, मतलब यार तुम लोग इमेजिन कर सकते हो एक फायर टाइप पोकेमोन जो कि वाटर से वीक है, वो खुद ही वाटर टाइप का हमला यूज कर रहा है। यार मतलब ये तो कुछ सेंस ही नहीं बन रहा, मतलब क्या इस पोकेमोन के पेट के अंदर आग और पानी जो है मिलके रहते हैं कि जैसे फ्लेम थ्रोअर करना है तो आग बाहर आएगी, स्कैल्ड करना है तो पानी। नंबर 23 और नंबर 24, स्टायू और स्टामी पोकेमोन। ये दोनों पोकेमोन सी जेंडरलेस पोकेमोन है, यानी कि ये ना फीमेल है ना मेल है, मतलब इनका जेंडर ही नहीं है कोई। लेकिन उसके बावजूद भी ये दोनों पोकेमोन जो हैं ये अट्रैक्ट मूव को सीख सकती हैं। अब अट्रैक्ट अटैक क्या करता है तुम लोग को पता ही होगा, वो सामने वाले पोकेमोन को अट्रैक्ट कर लेता है, फिर वो मूव यूज नहीं कर पाता। लेकिन यार ये जो अटैक है ये तुम सिर्फ अपने अपोजिट जेंडर पर यूज कर सकते हो, यानी कि अगर तुम्हारी पोकेमोन फीमेल है तो मेल पर यूज कर सकते हो। लेकिन यार यहाँ इस केस में स्टार्मी और स्टायू दोनों ही जेंडरलेस हैं और फिर भी वो इस मूव को यूज कर सकती हैं। नंबर 25, ओमेनाइट पोकेमोन। इस पोकेमोन के पास कहीं तुम लोग को हॉर्न दिख रहा है क्या? नहीं ना। लेकिन उसके बावजूद भी ये पोकेमोन हॉर्न अटैक यूज कर सकता है, मतलब है इसके पास हॉर्न ही नहीं है, इसके बावजूद भी हॉर्न अटैक यूज कर सकता है, भाई क्या ही लॉजिक है। नंबर 26, शेलगन पोकेमोन बाइट अटैक सीख सकता है। तो प्यूपिटर की तरह ही इस पोकेमोन के पास भी मुंह है ही नहीं, या फिर है तो इसका मुंह कभी खुलता नहीं है, कभी भी हमने खुलते हुए देखा नहीं है। तो यार ये बिना मुंह का पोकेमोन बिना मुंह खोले कैसे बाइट अटैक यूज कर सकता है, कैसे किसी को काट सकता है? नंबर 27, श्रूमिश पोकेमोन फोकस पंच अटैक सीख सकता है। फिर से एक ऐसा अतरंगी पोकेमोन जो कि बिना हाथ के पंच मार सकता है। इसको भी यार ध्यान से देख लो तुम लोग, इसके पास हाथ है ही नहीं, उसके बावजूद भी ये फोकस पंच अटैक जैसा यूज कर सकता है अटैक। नंबर 27, सवाइपर पोकेमोन एक्सेजर अटैक यूज कर सकता है। देखो यार तुम लोग को पता होगा एक्सेजर, इस अटैक को यूज करने के लिए पोकेमोन के पास दो काफी ज्यादा शार्प ब्लेड होने चाहिए, जैसे कि सेप्टाइल के जैसे दोनों हाथों पर ब्लेड है काफी ज्यादा शार्प, तो वो आराम से यूज कर सकता है एक्सेजर। लेकिन यार सवाइपर पोकेमोन के पास तो हाथ भी नहीं है और ना ही इसके किसी और जगह पर ब्लेड है जो कि एक एक्स वाला मतलब अटैक कर सके। नंबर 28, नॉयबैट पोकेमोन। इस पोकेमोन के पास भी कोई टेल नहीं है, इसके बावजूद भी ये पोकेमोन आयरन टेल अटैक सीख सकता है। नंबर 29 और नंबर 30, डेलमाइज और मिनियोर पोकेमोन। ये दोनों पोकेमोन भी जेंडरलेस है, इनके पास भी कोई जेंडर नहीं है, उसके बावजूद भी दोनों अट्रैक्ट सीख सकते हैं। तो यार यही थी हमारी आज की वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना ताकि तुमको ऐसे ही पोकेमोन का अमेजिंग कंटेंट देखने मिलता रहे। ये रहे हमारे पोके क्विज विनर्स और आज की पोके क्विज, मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।